अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो आप लोगों ने घूमने फिरने के लिए जाना होता है तो आपको अपनी नींदें भी कुर्बान करनी पड़ती हैं। जी हाँ, यही तो कयामत है, आगे नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो भाई जी, कुछ जगह से, कुछ दिनों से जो है वो मेरे दिमाग में और मेरे आस पास जो है वो सराउंड कर रही थी एक जगह। बहुत से लोग स्टेटस लगा रहे थे और काफ़ी मज़े की जगह थी। तो मैंने भी यार कैसे हो सकते मैं वहाँ ना जाऊँ, हालांकि है उसी साइड पे जिसका मैंने पिछला व्लॉग बना चुका, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। तो आज प्लान बना है हमारा और बहुत मज़े की जगह है, उसका नाम है बिस्सा वाटरफॉल। वहाँ जाएंगे, देखते हैं कैसी जगह होगा। अगर आप भी सालों से महीनों से नहीं नहाए तो वहाँ जा के नहा सकते हैं। तो चलते हैं सस्ते व्लॉग के साथ, आइए। और आपने सीधा लिथरा रोड पकड़नी है और बिल्कुल सीधा जाते रहना है, और जब एक बोर्ड आपके पास इस तरह का आ जाएगा, अगर तो आपने कोटी सदियाँ जाना है और उसी साल कश्मीर निकलना है तो आपने बिल्कुल सीधा जाना है। और अगर आप चाहते हैं आपने बिस्सा वाटर लेक जाना है या करोर जाना है या सिमी डैम जाना है तो आपने लेफ्ट टर्न ले लेना है, लेफ्ट मुड़ जाना है। तो चलिए आइए हम अपना सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। हम इस वक्त यहाँ जा रहे हैं वाटरफॉल, और 70 में जाने का अपना ही मज़ा है। रास्ते बड़े अच्छे व्यू नज़र आते हैं और लेट्स सी क्या होता है। भाई जान, इस वक्त हम रुके हुए हैं। आपको पता है सबसे बुरी चीज़ मुझे इंतज़ार लगती है, और वही मेरी किस्मत में सबसे ज़्यादा है। कंट्रोल कंट्रोल उदय, एक भाई थोड़ा पीछे रह गया, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसके बाद चलते हैं वाटरफॉल। भाई जान, ये है वो जगह जहाँ पर आपने रुकना है बिस्सा वाटरफॉल के लिए। इस तरह की कुछ यहाँ पर पार्किंग होगी। तो भाई जान, सूरत हाल इस तरह है कि आपको पार्किंग पर बाइक लगाने के बाद जो है ना, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। फारी काटेंगे, उसके बाद आप अच्छी तरह नहा सकेंगे। इसी तरह देखते हैं अभी और कितना दूर है। पहले तो काफ़ी चल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं। लेट्स सी। तो जनाब, इस वक्त जो है हम पहुँच चुके हैं बिस्सा वाटरफॉल। तो ये जगह है जनाब, हम कोशिश कर रहे हैं यार स्लिप होने की, लेकिन स्लिप हो नहीं सकते यार। भाई की चप्पल टूट गई है और बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। चला भाई, क्या करेंगे अब आप? ओहो, ध्यान से भाई, ध्यान से। भाई जान,
हमारा ये आखिरी लास्ट पॉइंट है, ये भी नहाने की अच्छी जगह है। आप अगर वापसी पे आ रहे हो तो यहाँ पर आकर नहा सकते हैं। इतनी देर में जो है हम लोगों ने यहाँ पर नहाए हैं, वापसी रोकना सूख भी जाना है ये चीज़ें जो है। कोई भी कह रहा है, इन्जॉय हम लोगों ने बहुत किया, अच्छी जगह आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए लाफ़ी। सफर ऐसे ही बोल रहा है, रुक रहा है यार एक मिनट।